अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। स्लो आ रही है आपकी। स्लो आ रही है। लेट्स करेक्ट। चलें हम देखें बिल्कुल ठीक है। यस मैम। यस मैम अब ठीक। चलें ठीक है। और कैसे आप लोग, आप लोगों की कैसी गुजरी मैम? गुजरी मैम। गुजरी आपकी कैसी गुजरी? सो के गुजार दिया ईद। नहीं मैम, इतने गुजारी है सो के, हमने तो नहीं गुजारी सो के। अच्छा, आप लोगों ने नहीं सो के गुजारी? नहीं मैम, हमारी दावतें बहुत थी। ठीक है, चलें। और आप लोग सब ठीक हैं? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जून तक एक्सटेंड हो गया ना? 7 जून तक। यस मैम, 7 जून का मेल आया हुआ, अभी देखें अब क्या बनती है। मैं मैंने कहा था 7 जून के बाद भी 2 वीक्स है, तो उसके बाद अपने फाइनल हो जाने हैं। ये सेमेस्टर गुजर गया। नहीं, बड़ी ईद के बाद ही, मुझे भी बड़ी ईद के बाद ही लग रहा है, क्योंकि 1.5 माह बाद तो बड़ी ईद आ जानी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थर्ड सेमेस्टर, हम थर्ड मैम, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद हमें समर हॉलीडेज हो जाएंगी। उसके बाद क्या? समर हॉलीडेज हो जाएंगी हमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारा थर्ड सेमेस्टर भी सितंबर में स्टार्ट होगा। समर वेकेशंस आपको डिक्लेयर हो जाएंगी जैसे ही आपके एंड टर्म होंगे ना, आपके मेरे में एंड टर्म है जून के एंड में है ना? यस मैम, जून के एंड में है। यस मैम, ऐसे ही है, कोई आपके एकेडमिक कैलेंडर मैंने रिव्यू किया था। तो बस उसके बाद आपको फिर समर वेकेशन जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स की डिक्लेयर हो जाएंगी, और अक्टूबर में दोबारा से ओरिएंटेशन होती है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो पुराने बच्चे आ जाते हैं, 1 हफ्ते का गैप होता है, आप लोग ऑल बैचेस 1 वीक पहले आ जाते हैं, और न्यू बैचेस जो हैं वो आफ्टर 1 वीक आते हैं। yes, तो खुला टाइम है तुम लोगों के पास घर रहने का, सो एंजॉय योर टाइम। लास्ट वीक आप लोगों का सेशन नहीं है। क्या करना है? क्या कह रहे हैं? आज क्या करना है? और आपने क्या करना है कि आज आपने क्या करना है? आज आपने भाई लैब एट नहीं करनी, आपके थोड़े सेशन रह गए हैं, 4-5 ही रह गए हैं, इसीलिए फिर मैंने लास्ट वीक में आई वाज बिजी, सो मैं फिर मैंने वो ऑफ कर दिया था आप लोगों का लास्ट वीक ना। तो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, और जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके आगे से आपको ऑफ कर दूंगी, लैब्स अटेंडेंस आप लोगों की लगा दिया करूंगी, और अगर दरमियान में एक हफ्ते की ब्रेक ले लेंगे 2-3 सेशंस के बाद, तो जैसे हमें सही लगेगा, ठीक है, इस तरह। ओके मैम। क्योंकि हमारा कोर्स ऑलमोस्ट हो ही जाएगा इंशाल्लाह, 8 पे हम पहुँच गए, 12 हमारे सारे सेशन हैं, 4 रह गए हैं और वीक्स हमारे पास हैं अभी ना, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैं और हमारा जो परफॉर्मेंस है थी, वो तो फिर हमारी रहेगी एक ही चीज। परफॉर्मेंस क्या मैम? परफॉर्मेंस जो हमने करनी है या फिर हम जो प्रैक्टिकली काम करने हैं, वो तो हमारे रहेगी।
एक किस्म के। हाँ परफॉर्मेंस मुझे लगता है रह ही गई है, लेकिन देखते हैं पता नहीं क्या डिसीजन आता है। हो सकता है कि लैब के फाइनल्स वो इस तरह से ना कहें, कह दें कि आप लैब्स जो हैं वो ऑन कैंपस देंगे। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तो वो तो आपको ईमेल आई हुई है कि आपके फाइनल्स ऑन कैंपस ही होने हैं, वो तो आपने लेकिन तो वो तो आपने आने ही आने, जब आपने कैंपस में पेपर देने आना तो आप व्हाई नॉट लैब्स, लैब्स क्यों नहीं दोगे फिर। तो वो अब जो ये डीन्स कमेटी की मीटिंग होगी तो जो डिसीजन आएगा वो हमें बता देंगे, फिर हमें आपको इंशाल्लाह। मैम अगर लॉकडाउन रहता है फिर भी हमारे फाइनल्स ऑन कैंपस होंगे, ये तो बच्चे अब यूनिवर्सिटी वाले बता सकते हैं उन्होंने क्या सूरत हाल रहती है, बल्कि एग्जाम्स के लिए बुला लें, बुलाने ना चाहिए या बुला लेते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है कुछ, स्टूडेंट का नहीं, जो बच्चे होते हैं उनका डिसीजन नहीं होता कुछ, यूनिवर्सिटी वालों का ही होता है। स्टूडेंट्स की क्या, आपकी कितनी पावर थी लास्ट टाइम दीवार तोड़ के अपना मनवा तो ली थी, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ही उन्होंने इस दफ़ा पहले ही ईमेल कर दी थी कि इस तरह की कोई हंगामी हालत जो है वो ना बन जाए। मैम बस हम लोग दीवार ही तोड़ सकते हैं क्या? आप लोग की आवाज मुझे बड़ी कम आ रही है, क्या बात है, मेरा तो वॉल्यूम फुल है। ये मैम कह रहा है हम दीवार ही तोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलो फिर सही है, अच्छी बात है, इसी उम्मीद पे बैठो आप लोग सारे। अच्छा ये सब लोगों पर ऑल ऑफ यू हैव दिस स्क्रीन, ठीक है, मैंने शेयर की आपके पास आ गई होगी hopefully। Yes, ma'am. अच्छा आप लोग के LMS की क्या सूरत हाल है, जितना काम दिया हुआ था ईद से पहले पहले का वो अपलोड कर दिया हुआ है ना? मैं मुझे तो सिर्फ वाइवे वाले मार्क्स शो हो रहे हैं। वाइवे वाले कौन से वाइवे? हाँ तो मैंने बाकी तो लगाए नहीं, लैब रिपोर्ट्स के मैंने लगाने भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो लगाऊंगी मार्क्स ना, तो जो मिड असेसमेंट मैंने ली थी वो मैंने साथ साथ अपलोड कर दिया। ओके मैम, वही मैंने अपलोड किया और तो नहीं मैंने कोई लगाया मार्क्स। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि LMS पे कोई काम तो नहीं आप लोगों को, मैंने दिया हुआ था असाइनमेंट वगैरह सबकी कंप्लीट है ना? कंप्लीट है, यस मैम कंप्लीट है, 7 लैब्स कंप्लीट है मैम 7 तक। चलो मैम अभी तक लैब सेशन 1 और लैब सेशन 2 और उसके मार्क्स है ना, बस 3 मार्क्स शो हो रहे हैं। हां नहीं वो उसके लिए परेशान नहीं होना आपने, मैंने वो मार्क्स अभी नहीं लगाने, वो आपके एंड पे लग जाएंगे, सबके लगेंगे, ठीक है। वो मेरे पास भी डेटा जो है वो इधर उधर पेजेस पे मैंने लिख के लगाए हैं जैसे जैसे मैंने चेक किए हैं, तो वो किसी दिन बैठ के तो वो मैंने इंशाल्लाह लगाना है। एंड ही लगाऊंगी आप लोगों को, पहले जरूर मैंने खुश करना है, ठीक है मैम। कर देती बंदे को थोड़ी सी उम्मीद हो जाती है, ज्यादा खुशी रास नहीं आती, नजर लग जाती है, तो मुझे भी डर लगता है वैसे मेरे बच्चों को नजर ना लग जाए ज्यादा खुश होके, पढ़ना ही छोड़ दें बाकी सब्जेक्ट्स, इसमें तो पास हो ही जाएंगे। मैम उम्मीद होती है बंदे को, उम्मीद ही रखे हैं, उम्मीद ही अभी भी उम्मीद ही है मैम। हम लोग नंबर के मार्क्स पे दुनिया कायम है, तैयारी करनी है मैम, हम लोग नंबर देके पढ़ लें। अच्छा जी आज का जो लैब सेशन है ये भी आपका बड़ा इजी है, बचपन से रिलेटेड है, आपके बचपन में आपने किया होगा थोड़ा सा। इसमें ये है कि टू वेरीफाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने की है, कौन सा था, व्हाट वाज दैट? शाबाश, फोर याद है ये, लेकिन वो ये था हैंगिंग रोप वाला था आपका, ठीक है। yes, उसमें आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को वेरीफाई किया था, ठीक है। सो इसमें भी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी जो है उसमें क्या करना है कि वेरीफाई ही करनी है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस ऑफ सिंपली स्पॉटेड बीम, ठीक है। आपकी जो सिंपली स्पॉटेड बीम होती है, ठीक है, बचपन में आपने FSC में अगर आप जाएं तो या स्कूल कॉलेजेस में भी करवाया जाता फिजिक्स के इसमें एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग के तौर पे, कि बैलेंसिंग ऑफ द बीम, ठीक है, वो बैलेंस करना यानी कि उसको इक्विलिब्रियम की हालत में लेके आना
तो उसमें लोड्स अप्लाई किए जाते हैं साइड पे, कैसे आपकी मीटर रोड होती है ठीक है, उसको आप साइडों पे किसी भी सपोर्ट के साथ ठीक है हैंग कर देते हैं। ये मीटर रोड जो है ये यहाँ से कैलिब्रेटेड होती है, यहाँ पे सारी इसकी दर्जा बंदी हुई होती है ठीक है। और फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है या यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आपने वेट्स जो हैं वो हैंग किए होते हैं ठीक है। तो फिर आप वेट्स को और जो आपके जो स्पोर्ट्स होती हैं एंड स्पोर्ट्स होते हैं इनके ऊपर आपके रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए बैलेंसेस लगे होते हैं ठीक है। तो आप एक रिएक्शन को आर ए, क्योंकि पॉइंट ए है तो आर ए कह देते हैं, और दूसरे पॉइंट को आर बी पॉइंट कह देते हैं। सो ये तो आपका एक जर्नल मैंने आपको रिकॉल करवाया है कि ये चीज़ें जो हैं आपकी इस तरह से होती हैं ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है कि आपने अप्रेटस जो है उसमें आपके सिंपली आपके पास मीटर रॉड है और आपके पास वेट्स हैं और स्प्रिंग बैलेंस है ठीक है। अच्छा, इसकी थ्योरी सिंपली आपने सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं ठीक है। ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपने वेरीफाई किस चीज़ को आप कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं व्हाट आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? मैम ऑपोजिट शाबाश। और मैं मैंने भी यही कहना था कि अगर कोई फोर्स एक साइड से लग रही है तो उसके ऑपोजिट भी साइड ऑपोजिट पे भी फोर्स होगी तो वो जीरो है। फोर्स फॉल्ट और सेक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो। यस मैम। आप कंप्लीट हुई है डेफिनेशन ठीक है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड समेशन ऑफ टाउ ठीक है। ये अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि हम आपने पढ़ा समेशन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो ठीक है। अब F के अंदर वो फिर हमने आगे से किया था समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई ठीक है। यानी कि जो वाई एक्सिस में फोर्सेस लगने हैं वो भी जीरो होनी चाहिए और जो एक्स डायरेक्शन में लगती हैं वो भी जीरो होनी चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज समीशन ऑफ ऑल द टाउ ठीक है मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या फिर इसको समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स समीशन ऑफ एम मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है। टॉर्क या मोमेंट ठीक है वो सेम ही चीज़ है। सो ये देर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो और तमाम मोमेंट्स का सम है डेट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है सिंपली आपने जो यहाँ बताया गया है थ्रेटिकली यही सारी स्टोरी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि फॉर अ बीम ऑन टू स्पोर्ट्स देयर विल बी द टू अननोन रिएक्शंस ठीक है। क्योंकि ये सिंपली स्पॉटेड बीम ऐसे की बनी होती है तो लास्टली आपके पास ये अननोन रिएक्शंस होते हैं जो कि आपने इस पॉइंट पे फाइंड करने होते हैं। अब एक दो चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे मैं बताई थी इसके साथ स्प्रिंग बैलेंस अटैच होते हैं किससे रीडिंग से आप इजीली पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ तो आपकी कवर हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल में ठीक है। एक चीज़ आप करेंगे थ्रेटिकल रिएक्शंस फाइंड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, सिंपली ये जो थ्योरी का पैसेज एक लिखा हुआ है इसके अंदर इसी चीज़ को बताया गया है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और आपके पास अगर बीम है तो दो अननोन रिएक्शंस आपने फाइंड करने होंगे। सो द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटअप, यहाँ से इन रिएक्शंस को देखते हुए हम एक इक्वेशंस नहीं दो इक्वेशंस बनाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट अ कन्वीनियंट पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज एट अ रिएक्शन देन देयर इज ओनली वन अननोन फोर्स द अदर रिएक्शन इन द इक्वेशन ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है ये देखें, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे एक ये बीम दी गई है ठीक है एंड देयर आर टू फिक्स्ड फोर्स ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम होती है जिसके दो बोथ हैंड जो हैं वो क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं। थ्योरी में पहुंच गए हो आप लोग बीम्स तक, बीम्स एंड कॉलम्स या फोर्सेस ही पढ़ रहे हो अभी तक? फोर्सेस ही पढ़ रहे हो मैम, ट्रसेस पढ़ लिए, अब ड्राइव्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा तो आगे चले हैं, नहीं तो 6-12 हफ्ते होने वाले आ गए हैं। तुम लोग ये फोर्सेस ही नहीं खत्म हो रही है। ये मैम हमारे सारे अच्छे हैं।
कुछ बच्चों की आवाज बहुत हल्की आती है। मैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करा रहे हैं ताकि कोई बर्डन ना पड़े। चलें अच्छी बात है, स्लो एंड स्टडी विंस करें। सिलेबस के काम है नहीं, सिलेबस काम नहीं है। ये अली काजमी तो नहीं बोला? यस मैम। बड़े अरसे बाद आपका स्पीकर सही हुआ है, माइक सही हुआ है आपका। इसको मैम नया माइक खरीद के दिया है। काफी अरसे इन्होंने यही कहा है कि मेरा माइक खराब है, मेरा माइक खराब है, गूंगे बने। सब कामरान ने सबसे 100-100 रुपए इकट्ठा करके दे दिए। नहीं मैं अली की बात कर रही हूँ कि अली का माइक काफी अरसे बाद सही हुआ है तो उसकी आवाज आज मैंने सुनी है। मैम मेरा सही था, कामरान का खराब था। कामरान का खराब था, मैम अली का सही था। यस मैम मेरा तो सही था, मैं तो बोलता रहा। अच्छा तो चलो भाई सही है, ठीक है, जिसका भी सही हो गया मुबारक हो उसको। चले बैक टू द दिस थ्योरी वर्क, ठीक है, यहीं से आप वापस थोड़ा सा बस बात करने का मतलब ये होता है आप फ्रेश हो जाएं। अच्छा अब आपके पास ये एक बीम है, इसके दो स्पोर्ट्स हैं, ये देखें, ये जो ऐसे ऐसे लाइनें नीचे से की होती है ना, इसका मतलब होता है फिक्स स्पोर्ट, यानी ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह से, ये टेबल टॉप है, ये जिस तरह भी पड़ी है फिक्स है। अगर ये सपोर्ट फिक्स है यहाँ पे, इट मीन्स ये सपोर्ट कर रही है ना इसके ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ईंट रख दी है तो इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ रखी है, कोई रॉड सी रखी है या कोई मैंने उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है उसके ऊपर, तो क्या है कर रही है, दिस जो ब्रिक है दैट इट इज़ सपोर्टिंग दैट थिंग जो कि दैट इज़ प्लेस ऑन इट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन लगा रही है अपवर्ड्स, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग दैट थिंग जो कि इसके ऊपर पड़ी हुई है। सो इसीलिए इसके जो दोनों स्पोर्ट्स होंगी ना, इसके सॉरी दोनों स्पोर्ट्स हैं, इनके रिएक्शंस क्या होंगे, अपवर्ड्स, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है कि रिएक्शंस हैं और फिक्स्ड है, ठीक है। तो इनके ये फिक्स स्पोर्ट्स हैं तो क्योंकि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट कर रही है, नीचे से उठाए रखे है, तो इसीलिए इसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक हैंगर यहाँ पे लटका होगा, वेट यहाँ पे होगा फर्स्ट को ले, एक हैंगर यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे हमने कोई वेट हैंग किया, एक हैंगर यहाँ पे है, सम वेट जो जितना भी वेट है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से चार पांच हैंगर होते हैं, वो बचपन में तो FSC में तो वो ये टीचर्स वो थ्रेड के साथ, धागे के साथ वो बंधी होती थी छोटी छोटी हैंगर सी, हैंगरियाँ सी कह लो, तो वो क्या करते थे, इधर से उधर हम मूव करते थे, उसको अनबैलेंस करने की कोशिश करते थे बीम को। अब क्या है कि इस हैंगर के अंदर 80 kN वेट है, इस हैंगर के अंदर 70 kN वेट है, इसके अंदर 100 kN वेट है और इसके अंदर 30 kg है, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड, शुरू में क्या लिखा था कि आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को वेरीफाई करने है और रिएक्शंस निकालने, अननोन रिएक्शंस। अब बाकी चीज़ें आपको दी हुई हैं, चीज़ें क्या आपको दी हुई हैं, फोर्सेस दी हुई हैं, ठीक है। और ये अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, सो फोर्स ये हैंगर के साथ हैंग हुई हुई है, सो इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स। आप देख रहे हैं, इसको इरेज करके आपको दिखाती हूँ कि ये जितने भी ये वाले जो फोर्सेस वाले एरोज हैं ये डाउनवर्ड्स हैं, ठीक है। सो फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड द रिएक्शंस आर अपवर्ड्स, ठीक है। रिएक्शन फोर्स आपकी अपवर्ड है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से मैंने दो इक्वेशंस निकालनी हैं और अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस का फिर क्योंकि हम जो आपकी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपकी जो फोर्सेस होती हैं अपवर्ड रिएक्शंस, उनको आप नेगेटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आप क्या करना है कि आपने ये पॉइंट ए लिखा है एंड दिस इज योर पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है। सिंपली आपने अब क्या करना है कि आपने रिएक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, दरवाजा बंद करो। अच्छा सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें आपने सिंपली क्या करना है, फाइल कहाँ गई आपकी,
ये वाली स्क्रीन थी ना सॉरी, अच्छा वो ना मैं बात करने लगी थी। हाँ जी, अच्छा स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा इसमें सिंपली आपने क्या करना है, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, एक हमारा पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड करने हैं रिएक्शंस थ्रेटिकली, ठीक है। जो आपको एक्सपेरिमेंट बताएगा वो आपको इस पोर्ट के ऊपर एक हैंगर लटका हुआ है और इस पोर्ट के ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, जहाँ से आपको रिएक्शंस का बैलेंसेस आपको बताएंगे कि कितने रिएक्शन, जैसे कि इजी हो गया था आपके लिए हैंगिंग रोप में भी स्प्रिंग बैलेंस थे और इसी तरह से टायर एंड जिब में भी स्प्रिंग बैलेंस थे, ठीक है। तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है, वो आपकी प्रैक्टिकल रीडिंग होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अब पहली क्वेश्चन मैंने इससे निकालनी है कि मैंने पहले अपवर्ड फोर्सेस देखनी है कि अपवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं। अपवर्ड कितनी फोर्सेस हैं इस पूरी डायग्राम में, दो फोर्सेस हैं, एक आर ए प्लस और आर बी। आर बी अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, तो वो फिर हमारा क्या बनेगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखना है कि यहाँ पे वाई एक्सिस की जो फोर्सेस हैं वो जो एक्ट कर रही हैं वो ये वाली फोर्सेस अगर पॉजिटिव हैं तो दूसरी नेगेटिव हैं तो मैं दूसरी तरफ ले लूँगी, ठीक है। या मैं ये कह सकती हूँ कि अपवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड एक साइड पे कर लेती हूँ, मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है। ये बहुत गंदा सा लिखा गया डाउनवर्ड, तो आप इसको मैं एरोस के साथ कर लेती हूँ, ठीक है। Upward forces must be equal to the downward forces. Downward. मैं arrow से ही minus हो जाएगी. अब down हो जाएगी ना वो, जब मैं इस इन दोनों forces को लेकर आऊंगी तो is equal to zero हो जाएगा, लेकिन मैं वो वाला काम नहीं अभी कर रही, ठीक है। मैं upward forces must be equal to downward forces वाली equation लगा रही हूँ, ठीक है। आप जैसे बात कर रहे हैं उसमें ये करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, तो वो फिर आ जाएगा माइनस 80, माइनस 70, माइनस 100। ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये मैं उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ जो कि एक्ट कर रही हैं डाउनवर्ड, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये अब पूरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है फॉर फोर्सेस, समीशन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम की पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन कहती है कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इस पूरी डायग्राम में सारी फोर्सेस हैं और सारी ही वर्टिकल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को फिर इस तरह से डील किया जाता है कि जो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस को फिर आगे से इस तरह कर लेते हैं कि समीशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू समीशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। और अगर एक ही इक्वेशन बना के लिखनी है, जैसे कि अली ने दरमियान में से हमें कहा कि मैं इसे माइनस के साथ करके लिखें ताकि क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए, तो वो अच्छी बात है कि अपवर्ड रिएक्शंस आपने पॉजिटिव ले ली हैं और डाउनवर्ड रिएक्शंस जितने भी हैं आपके वो नेगेटिव आ गए हैं। अब इसको मैं क्वेश्चन के उस तरफ ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, इन सबको जमा करो, कोई बच्चा जल्दी से जमा करके मुझे आंसर बताए, 80 जमा 70 जमा 100 जमा 280 मैम, यानी कि मैं एक ही डिजिट फिर लिखूं इज इक्वल्स टू 280। ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा आर ए प्लस, ये यही तो मसला है यहाँ पे ऑनलाइन में, नहीं तो वाइट बोर्ड पे ना। अच्छा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 280 इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आपने स्क्रीनशॉट लेना है या इसको लिखना है तो लिख लें, ठीक हो गया। अब कंडीशन इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, बताएं बताएं ना, ऑल टॉर्क एक्शन टू द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। शाबाश, मोमेंट अबाउट समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो।
अब जब समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ मास इक्वल्स टू जी ले लें तो फर्स्ट करें मैं पॉइंट ए लेती हूँ और पॉइंट ए को मैं बना लेती हूँ कि मैं अभी यहाँ से मोमेंट्स काउंट कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के गिर्द समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्यों? क्योंकि मुझे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। इस फोर्स का 80 किलो न्यूटन फोर्स, इसका मतलब है एफ इंटू आर स्मॉल, ठीक है। इसका टॉर्क बन जाए, ये आर किसका है, ये जो 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, 70 ये क्या है, फोर्स है, एफ इंटू आर। इसका आर मैं पॉइंट ए से लूंगी तो मेरा ये टॉर्क निकलेगा। फिर आगे चलूंगी मैं, इसका अब कितना डिस्टेंस है, इसका टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 प्लस 3, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर। इसी तरह से ये फोर्स एफ इंटू आर। तो आप क्या कह सकते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और टॉर्क को हम किससे कंसीडर कर रहे हैं, हम पॉइंट ए से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्सेस लिखते जाएंगे और टॉर्क का के साथ उसको करते जाएंगे। फोर्स है 80, मैं आपको वैसे भी लिख के दिखा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर करना है, 80 इंटू आर, 80 इंटू 20 प्लस आगे कौन सी फोर्स है, 70 इंटू 4 प्लस आगे बोले, आगे है 100 इंटू 7 प्लस, ये ब्रैकेट्स लगा लें तो ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, बड़ा ही अजीब सा लिखा जा रहा है, गंदा मंदा सा। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास कौन सी फोर्स है, 30 इंटू कितनी बनती है, 12 बन रही है, 30 से मैं ले रही हूँ बेटा, 30 से जी 30 से ले रही हूँ, 30 की 30 की ले रही हूँ मैं, अभी 30 तक पहुंची हूँ, 10 बनेगा आपका, ओके मैम, ठीक है। अब क्या होगा, इसको उसके आगे जो आपकी ये अपर रिएक्शन है, ठीक है, ये तो सारे डाउनवर्ड थे ना, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, माइनस लिखना है आपने आरबी, आरबी की वैल्यू अननोन है, ठीक है, आरबी क्या है, अननोन है, इनटू, लेकिन इसका डिस्टेंस पूरा है। अब आप कहेंगे 12 आरबी इनटू 12, शाबाश, इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। मैम आर इज इक्वल टू 0 वो भी नहीं आ सकता, आर कैसे 0 हो गया, नहीं आर ए मल्टीप्लाई बाय 0, आर ए पे तो लेना ही नहीं है ना बेटा, मोमेंट कहां से लिखते हैं, मैंने क्या लिखा है, समीशन ऑफ m, नीचे मैंने सबस्टिट्यूशन में a स्मॉल a लिखा है कि मोमेंट एट पॉइंट ए, इसके गिर तो सारे घूम रहे हैं, यस मैम, वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा तो फिर 0 ही आएगा, ठीक हो गया। इसके इसी पॉइंट से तो मैं मोमेंट ले रही हूं क्योंकि डिस्टेंसेस मुझे इस पॉइंट से दिए हुए हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको, आप इसको सॉल्व करेंगे 80 + 2 जो भी आएगा, व्हाटएवर, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, फिर प्लस ये आ जाएगा, फिर प्लस ये आ जाएगा, माइनस आपका 12 आर बी आ जाएगा। फिर आपके नीचे इक्वेशन में कोई चीज यहाँ पे आपका सिंपली आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी और साथ में आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू के इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, माइनस 12 आर बी लिख रही हूँ अभी मैं। अब फिर आप क्या करेंगे, आप इज इक्वल टू डालेंगे, हाँ, तो आप इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा 12 आर बी, और यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आर बी। तो इस तरह से यू कैन इजिली फाइंड द आर बी, और इस आर बी की वैल्यू को जो भी आएगी इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पता नहीं क्या था 280, ठीक है, तो आपने उसमें लगाना है, वहां से 280 माइनस जितना ही आएगा वो माइनस हो जाएगा तो आर ए भी निकल आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने किस काम किसके लिए की है, थ्रेटिकल वैल्यूज, ठीक है, ये हमारा क्या काम है, सारा थ्रेटिकल वैल्यू, इसको एनालिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये आपके थ्रेटिकल रिएक्शंस के आपने किस तरह से फाइंड किए विदाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बगैर आपने आर ए और आर बी को फाइंड कर लिया, और मैं इस तरह का कोई आपको नमेरिकल दे सकती हूँ आपकी फाइनल की असेसमेंट में। आपका जो टास्क आना है, लैब टास्क आना है, उसमें मैं कोई ऐसे रिएक्शंस बना सकती हूँ कि मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दिए हों, रिएक्शन दिए हो सकता है मैं कोई एक रिएक्शन भी दे दूँ, ठीक है। तो जैसे नमेरिकल होता है, तो उसमें आपने थ्रेटिकली आपने फाइंड करना होगा रिएक्शंस को, ठीक है, आर ए और आर बी को। इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। सिर्फ आपने ये याद रखना है सबमिशन ऑफ एफ वाली इक्वेशन लगानी है, समझ के आप पर फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को माइनस के साइन के साथ, और इसी तरह किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट लेके जिस पॉइंट से दूसरे बाकी सारे डिस्टेंसेस दिए हों आपने वो काम करना है, ठीक है। और टेबल मैं मेरे क्वेश्चन था, अगर ये तो हमने वर्टिकल में पढ़ा है, अगर वो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस हो तो फिर क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस कैसे होंगी? फोर्सेस हमेशा यहाँ पे वर्टिकल में ही होंगी, ठीक है। ऊपर नीचे से आप, मैं टेबल के ऊपर बैठी हूँ तो ऊपर से ही फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ना, ठीक है। वर्टिकली फोर्स आपकी किस तरह से जाएगी, वो तो आपके स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। मैम वो दीवार के साथ जैसे जैसे कोई घड़ी लगी है लेकिन उसकी फोर्स नीचे का, वो दीवार के साथ उसकी फोर्स, उसका वेट सारा घड़ी का जो भी आपने लगाई है वेट डाउनवर्ड, वो तो वर्टिकली होगा, मैं डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट उसको ऊपर अपवर्ड करते हैं, राइट। तो उसमें आपके जो वो जो आप इंटरनल फोर्सेस होती है ना, उनको स्ट्रेसेस कहते हैं, वो आपकी इंटरनली होती हैं, हॉरिजॉन्टली होती हैं किसी भी बॉडी की। तो ये आपके जो है वो आप उसमें ना परेशान हो, आपके सारे वर्टिकल फोर्सेस के साथ आपको दिया जाएंगे। अच्छा, ये आपका टेबल है, इसमें आपको ऑलरेडी कुछ वैसे फीड वैल्यूज हैं जो कि आपकी लोड एंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बता रहे हैं कि इतना न्यूटन आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक को तो जैसे कि आर ए और आर बी का है ना मैंने, इसी तरह आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लेफ्ट एंड रिएक्शन और राइट एंड रिएक्शन, यानी राइट साइड पे बीम जहाँ पे ख़त्म होती है तो उसको आर बी को हमने आर बी कहा तो इन्होंने राइट एंड कह दिया, और आर ए का है तो लेफ्ट एंड कह दिया, ठीक है। अब ये थ्रेटिकल भी आपने वहाँ वैल्यू लिखनी है कि क्या वैल्यू आती है, और एक्सपेरिमेंटल भी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी होगी। टेबल बड़े सिंपल सा है, बस आपने वो जितने भी वेट अप्लाई करने हैं ना उनकी यहाँ पे आपने जो है न्यूटन्स में लिख देना, ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। आपने क्या करना होता है वो भी मैंने ही आपको देनी होती है वैल्यूज उसमें से भी आप कुछ नहीं करते, तो ये न्यूटन में से आपको दूंगी। लेकिन एक रीडिंग के लिए मैंने जैसे आज सारा आपको समझाया है आर ए और आर ए जो रिएक्शंस हैं वो कैसे निकालने हैं, आर ए प्लस आर ए और आर बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो वो थ्रेटिकल के लिए तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप वो उसको फाइंड करें, ठीक है। सो डेट्स फॉर ऑल टूडे, लेट मी फाइंड द वीडियो, ठीक है। वीडियो मैंने ना आई थिंक ड्राइव में ही रखी है। मैम इसमें जो न्यूटन की फोर्सेस है वो केजी में लेनी है कि न्यूटन में जानी है? न्यूटन में कर ले तो अच्छा, और यहाँ पे ग्राम में उसका यूनिट लिखा हुआ है ना एक्सपेरिमेंटल में। हाँ नहीं, मैं वही तो बात कर रही हूँ कि आप वो वाला कॉलम नहीं फिल करेंगे, आप न्यूटन्स वाला कॉलम में फिल करें, और जो मिलीमीटर में है उनको मीटर में कन्वर्ट कर दें। मिलीमीटर हाँ कर लें, बेशक कर लें उनको, ठीक है। एक मिनट, मैंने सिस्टम में कहीं वीडियो मैंने रखी थी सेव, मैं ड्राइव से फाइंड कर लूँ, अगर तो मुझे मिल जाती है तो मैं आपको शो कर रखती हूँ। कुछ नहीं होता मैम, बाद में सेंड कर देना। आप समझ ही नहीं है अभी, वैसे आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? यस मैम, मुझे याद है मैंने ड्राइव में ये अपलोड की है। अगर नहीं समझ आए कि मैम दोबारा से मिल लेंगे। यस मैम, आपके पास दोबारा आ जाएंगे रिकॉर्डिंग सुन के। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल था मेरे पास है, मैंने एक मिनट में अपनी ड्राइव चेक कर लें, तो अगर तो मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर कर दूंगी इसमें क्या, नहीं तो लिंक तो मैं आपको सेंड कर दूंगी क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सिंपल ही था। मैंने ना आते आते जल्दी से वो साथ साथ मैं इसको सेंड करी थी।
पता नहीं वो ड्राइव में अपलोड हो के सेव हो गई है या क्या मसला हुआ है। आपके तो लैब्स है ना, ये आज नींद में है। जिसके 17 लेक्चर हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं, अटेंडेंस ही लगाने लगी हूं बेटा, एक मिनट मुझे नहीं मिल रही है आपको ना, मैं इंशाल्लाह फिर लिंक के सेंड कर दूंगी। मैम फिर आज ही कर देना, आज ही आपको जो है ना सॉल्व करके आज ही सेंड कर देंगे सारा काम। आज करो, मैं आपको हर चीज ना ऑन टाइम ही कर देती हूं, ठीक है? इन टाइम करती हूं, आप लोग लेट करते हैं अपने। नहीं मैम आपको आज ही मिल जाएगी, इजी है ये। नहीं आज ही मैंने, मुझे तो एक वीक की डेट डालनी है ना। यस मैम हफ्ते बाद मिल जाएगी, मैं फ्राइडे की डेट डाल दूंगी आपके लिए। ये बस मैं जरा केस सेंसिटिव लेटर्स डाल लूं, उसके बाद मैं आपके सैटरडे कर दें, सैटरडे नाइट तक। Yes, ma'am. अमार आप तो ना बस रहने ही दो, जब से ये सेशन शुरू हुआ है ना तुम्हारे तो मसले मसाइल और परेशानियां, तो बहुत मसले परेशानियों ने घेर लिया इस बच्चे को, क्योंकि मैं घर में था ना इस वजह से हैं। जब से ये सेशन शुरू हुआ है ना इसका रोना नहीं खत्म हो रहा मैम, काम ही नहीं खत्म हो रहे, जिम्मेदारी नहीं खत्म हो रही, मुश्किलात नहीं खत्म हो रही। सबकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में नहीं है, ठीक है? आप अगर किसी और के पास बैठे ना उसका दुखड़ा सुने ना तो उसके हो सकते हैं आपसे ज्यादा हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है? रात हो जाती है, रात को सोते हैं, सुबह जाती है, समझ नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी सांसें दी हैं कि सुबह तुम उठ जाते हो, तो बड़े बड़े सो जाओ। घर में क्या बस नेक्स्ट में सारा हॉस्टल में गुजारा था और सेकंड सेशन में घर पे हूं, तो कुछ नहीं होता, चार दिन रह लो अपने घर में, भी मौत ही पड़ जाती है तुम लोगों को, तो कोई काम कह दो। मैं तो इतना कह के मुझे भेज दे वापस रूम, जब तक नहीं लौट काम कर कर के तेरे को। अच्छा क्या घर के काम क्या होते हैं, तुम सिर्फ बर्तन धोते हो तुम लोग हैं? मैम घर के काम लानी होती है, वो बहुत सारी चीजें, दही ले आए, बड़ी हद दही ले आए, कोई सब्जी ले आए, बस इतने से। मैम ऐसे नहीं होता, दही लेके आए हैं बाद में याद आ गया धनिया रह गया, धनिया लेके आए हैं बाद में याद आ गया पुदीना रह गया, लेकिन उसमें भी तो फोर्सेस लग रही होती है। मैम देख के ना मेरे घर में 7 मेंबर्स हैं मेरे, ये जितनी नेकियां कमानी है ना कमा लो, दही रमजान से पहले की बीमार है, रमजान से पहले की बीमार है, सारा घर मेरे सर पे इस टाइम, अब्बा जी के काम भी, अपने काम भी, घर के काम भी। अभी तक तुम लोग सही नहीं हुए, लोग हफ्ते में हफ्ते डेढ़ हफ्ते में सही हो जाते हैं। मेरे इसमें भी ज्यादा है, मेरी मामा का ट्रांसफर हो गया है तो मैं अकेला घर में, कोई भी नहीं है ना, कोई मेरी वैसे है और ना, तो आप ही रह रहा हूँ, पूरा घर में ही चला रहा हूँ। खाली घर में क्या चलाना है, इसने घर में चाबी लगाई हुई है, इंजन पे चलता है इसका घर। नहीं देखे ना वो भी तो बच्चा ना, सही बात है, उसका खाना पीना कौन पूछता होगा, रोटी शोटी बच्चा लगता है दिल तो करता है, कहां से बच्चा है, बैठे बैठे जो है ना बंदा सामने आप लोगों को हर चीज अवेलेबल हो जाए। आप लोगों की मामा इधर है, आप अली आप मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको खाना दे देता हूँ। अली अच्छा जी टेंडेंस आपकी वो बोतल हो गया लॉगिन 039। मैम इसका नेटवर्क इशू है, ये स्वात वाली साइड पे गया हुआ है। अच्छा ठीक है 041 41 भी नहीं है 33 प्रेजेंट मैम। अच्छा ये 41 वो नहीं है बुरहान, इसकी सिस्टर की शादी थी? नहीं नहीं वो मेरी सिस्टर की शादी थी। आपकी सिस्टर की शादी दानिश? हाँ वो, हाँ जी वो तो उस बात महीने से ऊपर हो गया, इसीलिए तुमने वलीमे की तस्वीर लगाई हुई है। नहीं ये बरात वाले दिन की है। ठीक है 038
38 भी नहीं है, अच्छा 032, ये तो कोई छोड़ गया बच्चा, 037। यस मैम 37। ठीक है 37 से पहले कौन बोला है? मैम आई थिंक आपने 32 बोला है। मैम 36 भी है, 36 तक मैं पहुंची नहीं। 032 है कोई यहाँ पे? 032 मैं नाम क्या है 32 का? मुदस्सर रियाज मैम, ये छोड़ गया, छोड़ गया मैं। हाँ वही तो, ये तो सर इसका तो वैसे ग्रे एरिया आ रहा है। 031 फरहान। यस मैम। 031 बोला मैंने, मोहम्मद फरहान। यस मैम। ठीक है 040। यस मैम। 036 है, अभी था ये बच्चा। 035 रमेश बोलो, मैंने लगा दिया वो, पता नहीं कोई मसला होगा। 035 35 नहीं है। मुनीब मैम, मुनीब है क्लास, ये मैम है क्लास में है। मुनीब प्रेजेंट मैम। 030 मैम है, कामरान। 029 ठीक है, 36 की लग गई है। डाल दूंगी तो कर लीजिए।